वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर स्टारर अपकमिंग हिंदी फिल्म यानी कि जर्सी के ट्रेलर के बारे में। तो ये फिल्म जो है साल 2019 में आई नेचुरल स्टार नानी की फिल्म यानी कि जर्सी का ही ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। उस फिल्म को डायरेक्ट किया था गौतम थिन्नानूरी ने और इस फिल्म को भी डायरेक्ट कर रहे हैं गौतम थिन्नानूरी, जहां पर आज इसके ट्रेलर को रिलीज करवाया गया है। तो जर्सी एक ऐसी फिल्म है जिसने तेलुगु में रिलीज होते ही ऑल ओवर इंडिया में धमाल मचा दिया था। जो लोग सबटाइटल्स के साथ में देखते थे उन्होंने उस फिल्म को तभी देख लिया था और उसके कायल हो चुके थे, बाकी लोग इंतजार में थे इसके हिंदी डब वर्जन के आने का। और ये फिल्म जो थे बाद में हिंदी में डब होके भी आ गई। पर मैं कहना चाहूंगा कि इस फिल्म के डब्ड वर्जन को देखने से अच्छा है मैं कहूंगा कि आप इसके हिंदी रीमेक को देख लो, क्योंकि इस फिल्म का जो डब्ड वर्जन यूट्यूब पे पड़ा हुआ है वो इतना खराब है कि मैं चाहकर भी किसी को नहीं कह सकता हूं कि जाके इसके डब्ड वर्जन को देखो। क्योंकि जिस किसी ने भी इसके तेलुगु वर्जन को देखा है उसे पता है कि इसकी डबिंग कितनी खराब हुई है। इसकी डबिंग में से मानो एक इमोशन, जो एक सोल था, उसे पूरी तरह से खत्म सा कर दिया गया है। पहले तो इसके क्लाइमैक्स को लेकर इसके शुरुआत में चिपका दिया गया था इसके डब्ड वर्जन में, बाद में हमें देखने को मिलता है कि कुछ डायलॉग्स को बहुत ही बुरी तरह से चेंज किया गया है। इवन एक जो बच्चे का डायलॉग है जो अपने पिता से यानी कि नानी से जब वो छोटा सा बच्चा बात करता है उसके एक मेजर सीन के डायलॉग को बहुत बुरी तरह से चेंज किया गया था, जिस पर नानी ने खुद एक इंटरव्यू में ऑब्जेक्शन उठाया था। उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने खुद देखा उस डायलॉग को, जब सुना हिंदी डब वर्जन में, उन्हें काफी दुख हुआ कि इतनी बुरी तरह से मतलब उस पूरे सीन का, उस पूरे कैरेक्टर का जो फ्लेवर है पूरी तरह से खत्म सा कर दिया गया था। तो कहना चाहूंगा कि इसकी डबिंग इतनी खराब है, मतलब आप ऐसा मत सोचिए कि अगर आपने अभी तक हिंदी डब वर्जन नहीं देखा है तो देखना है तो इसका तेलुगु वर्जन देखो, और नहीं देखना है तो रीमेक का इंतजार करो, क्योंकि इसका डब्ड वर्जन इतना खराब है कि कोई चाहकर भी इसे रिकमेंड नहीं कर सकता है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि जर्सी का हिंदी रीमेक काफी हद तक वैलिड कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी हिंदी डबिंग जो है उतनी अच्छी नहीं थी। अब आइए बात करते हैं इस ट्रेलर के बारे में। तो ट्रेलर को ओवरऑल देखने के बाद कहना चाहूंगा कि ट्रेलर जो है सही में काफी इंप्रेसिव था। मतलब कहा जाए कि जिस तरह से उस कैरेक्टर को यहां पर शाहिद कपूर ने प्ले किया है, मतलब उस कैरेक्टर के अंदर जो इमोशंस हैं, जो गहराई है, जो एक एग्रेशन है, हर एक चीज को यहां पर शाहिद कपूर ने अपने परफॉर्मेंस के द्वारा यहां पर पेश करने की कोशिश की है। और देख के लगता है कि शाहिद कपूर अपने बेस्ट फॉर्म में यहां पर हमें नजर आने वाले हैं। दूसरी तरफ एक चीज अगर मैं कहूं कि वहां पर ओरिजिनल वर्जन देखो, जब कभी भी रीमेक की बात होती है तो ओरिजिनल के साथ कंपेयर किया जाता है, पर फिर भी जब यहां पर हम डिस्क्रिप्शन में देखते हैं तो हमें पढ़ने को मिलता है कि इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक जो है यहां पर अनिरुद्ध रविचंद्रन ने दिया है, जिन्होंने ओरिजिनल का दिया था। आज के टाइम इंडिया में अगर सबसे बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक कोई दे रहा है तो वो है अनिरुद्ध। और कहीं ना कहीं जर्सी का जो म्यूजिक था, उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक था, वो अपने आप में एक अलग सा ही इमोशन है। तो वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक जब आप सुनते हो, तो जब हमने पहली बार सुना था तो एक गूज बम्स आ जाते थे उस बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनते हुए। तो कहीं ना कहीं वो जो एक मैजिक होना चाहिए था बैकग्राउंड म्यूजिक में, वो यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसिंग नजर आ रहा है। पर फिर भी वो बैकग्राउंड म्यूजिक जो हिंदी वर्जन में सुनने को मिल रहा है वो काफी हद तक अच्छा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब पूरी फिल्म हमें देखने को मिलेगी वहां पर अनिरुद्ध का वो बैकग्राउंड म्यूजिक फिर से सुनाया जाएगा या नहीं, या फिर अनिरुद्ध कोई नया, कोई कमाल का और बैकग्राउंड म्यूजिक क्रिएट कर पाते या नहीं, वो तो वक्त आने पर पता चलेगा। पर हां, अगर कंपेयर किया जाए उस बैकग्राउंड म्यूजिक और यहां पर ट्रेलर के बैकग्राउंड म्यूजिक से, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम इंपैक्ट जरूर है, पर फिर भी हिंदी का बैकग्राउंड म्यूजिक बुरा नहीं है। इसके अलावा ट्रेलर के अंदर फिल्म के दो मेजर सीन्स को बहुत ही कमाल तरीके से प्रेजेंट किया गया है, जिसमें से सबसे पहले बात होनी चाहिए रेलवे प्लेटफॉर्म वाले सीन की। आज ही मुझे याद है जब जर्सी फिल्म रिलीज हुई थी, सबसे पहले और सबकी जुबान पर अगर कोई चीज चढ़ी हुई थी तो वो एकमात्र सीन था। मतलब उस सीन के अंदर जो परफॉर्मेंस नानी ने दिखाई थी वो रातों रात चर्चा का विषय बन गया था। पर कहना चाहूंगा कि इस ट्रेलर के अंदर शाहिद कपूर का जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है ना, वो भी किसी से कम नहीं है। कमाल का परफॉर्मेंस है, मतलब जिस तरह से, जिस इंटेंसिटी के साथ, जिस इमोशंस के साथ वो वहां पे चीख रहे हैं, कहीं ना कहीं देखकर तो लग रहा है कि यहां पर उस कैरेक्टर में पूरी तरह से उन्होंने जान डाल दी है। दूसरी तरफ वो जो थप्पड़ मारने वाला सीन है, जब मृणाल ठाकुर यहां पे शाहिद कपूर को थप्पड़ मारती है, उस सीन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रेलर के अंदर प्लेस किया गया है। बाकी ट्रेलर की ओवरऑल एडिटिंग जो है कहा जाए कि ओरिजिनल वर्जन से काफी डिफरेंट है, फिर भी काफी हद तक अच्छी नजर आती है। तो सच कहूं तो नानी की फिल्म जर्सी मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्मों में से एक है, मेरे दिल के बहुत ही करीब है। पर फिर भी कहूंगा कि शाहिद कपूर की जो जर्सी का ट्रेलर हमें देखने को मिला है वो काफी इंप्रेसिव है, और जिन लोगों ने ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा है उन लोगों के लिए ये फिल्म जो है एक कमाल की फिल्म साबित होने वाली है। तो देखते हैं ये फिल्म जब पूरी तरह से निकल के आएगी, रिलीज होगी, किस तरीके का इंपैक्ट क्रिएट करती है। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस ट्रेलर को लेकर। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, बस
से तक आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।